एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर फोर मरहले में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को एक विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि अफगान टीम को इवेंट से आउट कर दिया। पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 11 रन दरकार थे। नसीम शाह ने अफगान बॉलर फजल हक फारूकी को मुसलसल 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। नसीम शाह ने 2 बालों पे 2 छक्के मार के पाकिस्तान को जितवा दिया था। नामुमकिन मैच था, हार गया था, पर उन्होंने जितवा दिया। उम्मीद नहीं थी एंड के टाइम पे, हम उम्मीद हार गए थे कि अब मैच जीतेगा इस तरह। बिल्कुल दिल नीचे चले गया था हमारे, जैसी 80 बजे आउट हुआ ना, जैसे लगा नहीं था कि मैच जीतेगा, लेकिन नसीम शाह ने जो करके दिखाया ना, वो कभी हम भूल नहीं सकते जिंदगी। अफगानिस्तान के खिलाफ 36 रन की इनिंग और 1 विकेट लेने पर शादाब को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। शहरियों में भी खूब जोश व खरोश देखा गया। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ को अफगानिस्तान के खिलाड़ी की जानिब से आउट करने पर हाथ मारा गया, जिस पर मोहम्मद आसिफ ने बैट दिखाकर इशारा किया तो दोनों के दरमियान तल्ख कलामी देखी गई। क्योंकि मैच तो हार जीत का हिस्सा है, लेकिन ये आसिफ अली के साथ जो हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है, और उसका बदला नसीम शाह ने ले लिया। सारे पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। बदतमीजी अफगानिस्तान के प्लेयर की तरफ से हुई थी, फरीद की तरफ से। फिर उसके बाद उसने एक्शन लिया था और लगा दिया गया दोनों पे बैन, जो कि बिल्कुल गलत है। उनका स्टेडियम में जो तमाशाइयों ने, अफगानियों ने जो सीटें उखाड़ी हैं, जलाओ घेराव किया, ये भी तो आप देखें, ये भी तो गलत है। तो किसी ने कहा, अफगान खिलाड़ी को गुरूर खाक में मिला दिया गया। हाथों हाथ नसीम शाह के 2 शानदार छक्कों से अफगान खिलाड़ी हक्का बक्का हो गए और अफगानिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। दूसरी जानिब आज इंडिया और अफगानिस्तान का एक दूसरे से टाकरा होगा। याद रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहले ही एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। एशिया कप का फाइनल इतवार को दुबई में खेला जाएगा।